गुड आफ्टरनून कक्षा 9वीं और 10वीं काफी लंबे समय लंबे अंतराल के बाद हम लोग आज फिर आ रहे हैं आपके विषय हिंदी कहानी आपके बड़े घर की बेटी प्रेमचंद जी द्वारा रचित ना। वैसे मैंने ये कहानी करा दी है लेकिन फिर भी थोड़ा मैं पीछे पिछले आपका इस कहानी में क्या था, लेखक कौन थे, उनके परिचय थोड़ा सा मैं आपको फिर से रिवीजन टाइप है ना रिमाइंड कराने आई हूँ। चलिए हम देखते हैं प्रेमचंद जी हैं, कहानी की रचयिता है आपके प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी कौन थे थोड़ा परिचय देखते हैं। प्रेमचंद जी को उपन्यास का सम्राट कहा जाता है माना जाता है। प्रेमचंद की कहानियों में समाज में व्याप्त कुरीतियों बुरी प्रथा तथा वर्ग शोषण को दर्शाया है। इनकी कहानी अंतरात्मा को झकझोर कर रख देने वाली है। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई सन 1880 में वाराणसी के निकट लमही नामक एक गांव में हुआ था। प्रेमचंद का वास्तविक नाम गणपत राय है। प्रेमचंद की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। आर्थिक स्थिति पैसे रुपए की तंगी थी। परिवार में सुन की स्थिति अच्छी नहीं थी। बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात शिक्षा विभाग में सब इंस्पेक्टर हो गए, परंतु सत्याग्रह आंदोलन से प्रभावित होकर नौकरी से त्याग पत्र उन्हें देने पड़े। तत्पश्चात इन्होंने मर्यादा हंस और माधुरी पत्रिकाओं के संपादक के रूप में कार्य प्रारंभ किया। आपने आचार्य द्विवेदी की प्रेरणा से प्रेमचंद नाम स्वीकार कर लिया। पहले उनके गणपत राय थे, आचार्य द्विवेदी के द्वारा दिए नाम यानी प्रेरणा से उन्हें प्रेमचंद नाम स्वीकार किया। 1 अक्टूबर 1936 में इनका निधन हो गया। इन्होंने जीवन की सच्ची घटनाओं को कहानियों में पिरोया था। जो जीवन में घटित होती थी उन्हीं कहानियों को उन्होंने उस कहानी के माध्यम से पाठकों तक पहुंचाया है। प्रेमचंद ने हिंदी के अनेक उत्कृष्ट उपन्यास तथा कहानियों को जन्म दिया। उन उपन्यासों में प्रेमाश्रम, निर्मला, रंगभूमि, गबन, गोदान, कर्मभूमि आदि उपन्यास उनके प्रसिद्ध रहे। कहानी संग्रह में लगभग 300 कहानियां लिखी हैं, जो कि मानसरोवर के 8 खंडों में प्रकाशित हुई है। शब्द सरोज, प्रेम 25 सी, प्रेम दावी सी आदि लोकप्रिय कहानी संग्रह हैं, जिनमें नागरिक जीवन की करुण तथा करुणा को दर्शाया गया है। प्रेमचंद अच्छे नाटककार भी थे, अच्छे नाटक भी लिखते थे। करुणला, संग्राम, प्रेम की वेदी आदि नाटक उनके ही रचित है। प्रेमचंद की भाषा शैली सजीव, सरल एवं व्यवहारिक होया करती थी। लोगों तक आराम से, आसान से समझ सके, बुझ सके। उनके अपने मुहावेदार उर्दू भाषा का प्रयोग उन्होंने खूब किया है। कहीं कहीं संस्कृत भाषा का भी प्रयोग आया है उनकी कहानियों में। चलिए देखते हैं बड़े घर की कहानी के अंतर्गत कहानीकार प्रेमचंद जी ने मुख्य, आज मैं सिर्फ उद्देश्य के बारे में आपको चर्चा करूंगी, वो भी इसलिए क्योंकि पिछले बार जो कराए आप भूल गए होंगे, सो थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ। इस प्रस्तुत कहानी में कहा गया है कुलीन व्यक्ति स्वयं को हर परिस्थिति के अनुरूप ढाल लेता है। कुलीन अच्छे कुल में जन्मे व्यक्ति, अच्छे संस्कारों में पली बड़ी व्यक्ति, वैसे व्यक्तित्व वाले अपने किसी भी है ना कैसी भी तरह की जो
परिस्थिति है उसमें अपने आप को वो ढाल लेती है, यानी एडजस्ट सामंजस्य वो कर लेती है। जो समस्या परिवार या समाज में आती है उसका समझदारी से वो समाधान करने का प्रयास भी करते हैं, अच्छे कुल में जन्मे लोग। प्रस्तुत गाने का उद्देश्य यह बताना है कि वही लड़कियां व्यवहारिक जीवन में सफल होती है जो अपने ससुराल को अपना ही समझ लेती है। गलती करना मानव का स्वभाव है, अपनी गलती को मान लेना तथा दूसरे की गलती को क्षमा कर देना महानता का ही परिचय है। लाल बिहारी ने गलती की थी, इस कहानी के जो एक कैरेक्टर है लाल बिहारी, यहाँ भाई का भूमिका अदा करता है। सो उसकी गलती, उन्होंने गलती की थी, आनंदी ने यानी उसकी भाभी है आनंदी, उसे वो क्षमा करके अपने बड़प्पन का परिचय करती है, उसे क्षमा कर देती है तथा परिवार को बिखरने से भाभी यानी आनंदी बचा लेती है। इस प्रकार वह सबकी प्रशंसा का पात्र तो बनी ही है, साथ ही उसने अपने माता पिता का नाम भी रोशन किया तथा बड़े घर की बेटी कहलाई है। इस कहानी में अच्छे यानी एक कुली व्यक्ति के व्यक्तित्व का इन्होंने परिचय दिया है प्रेमचंद जी ने, कि अच्छे कुल में जन्मे लोग किसी भी कैसे भी माहौल में कैसे भी परिस्थिति में वो अपने आप को वो ढाल लेती है, सामंजस्य वो बिठा लेती है। यहाँ पे बहु अर्थात आनंदी के भूमिका से हमें पता चलती है कि वो कैसे कुल की थी और वो कैसे अपने परिवार को यानी अपने ससुराल को अपने परिवार जैसा वो समझ लेती है और बुरे दिन आने से वो उस परिवार को बचा लेती है। सो इस कहानी में यही खास चीज है। आगे देखते हैं हम लोग इसके कैरेक्टर्स के बारे में, आपको लिखवाया है मैंने कैरेक्टर्स, वैसे आपके बुक में भी दे रखे हैं पेज नंबर 93 में सारे जो मुख्य पात्रों के परिचय है, कुछ क्वेश्चंस है, एक आप उदाहरण के लिए कुछ क्वेश्चन भी दे रखे, उस क्वेश्चन को आपने उदाहरण के तहत देखना है और बाकी जो क्वेश्चन है आपको स्वयं करने हैं। चलिए अगले हम किसी दूसरे कहानी के साथ मिलते हैं, आज के लिए इतना, थैंक यू।